नमस्कार दोस्तों, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका सेवन उनको नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस अवस्था में कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसमें हीलिंग पावर पाया जाता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, इसके साथ साथ यह हमारे खून को प्यूरीफायर करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के फायदे के बारे में। गर्भावस्था में एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन महिलाओं को गर्भावस्था में खून की कमी हो जाती है उन्हें कई दूसरी समस्याएं भी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हर रोज़ तुलसी की कुछ पत्तियों के सेवन से इस खतरे को कम किया जा सकता है। ये लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने का भी काम करता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। इसके बाद दूसरा फायदा, थकान दूर करने में मददगार। गर्भावस्था में थकान महसूस होना एक सामान्य सी बात होता है। इस दौरान तुलसी की पत्तियों के सेवन से ऊर्जा मिलती है और सुबह आने वाली चक्कर और कमजोरी से फ़ायदा मिलता है। नंबर 3, तुलसी में विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं विटामिन के रक्त को थका बनाने में काम करता है। तुलसी के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के रक्त का थका जमाने में सहायक होता है। नंबर 4, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए तुलसी काफ़ी फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन ए बच्चे के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ये तंत्रिका तंत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 5, संक्रामक रोगों से सुरक्षा। गर्भावस्था में कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इस दौरान तुलसी के पत्तों के सेवन से कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। आप इसका प्रयोग चाय में डाल करके पी सकती हैं या फिर सीधा सीधी 4 से 5 पत्तियों को तोड़ लें, साफ पानी से धो लें और इसे खा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके जीवन में कारगर साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।